टर्म टू की प्रिपरेशन टर्म वन की प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है बिकॉज टर्म वन के अंदर हर एक चीज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो थी चाहे हम लोग बात कर लें मेरे वॉइस की वीडियो की एक्सप्लेनेशन की या फिर उन घटिया स्टडी मटेरियल्स की जो मैंने किसी और वेबसाइट से लेके आया था बट टर्म टू के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है बिकॉज टर्म टू के अंदर मेरी वॉइस तो अच्छी होगी उसी के साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन और तो और स्टडी मटेरियल्स का किंग जो कि है हमारे नोट्स वो हैंड रिटर्न होंगे और ना सिर्फ हैंड रिटर्न यानी कि सिर्फ बुक में से खींची हुई फ़ोटो नहीं बल्कि वो एक प्रिंटेड फॉर्म के अंदर एक पीडीएफ के अंदर होंगे जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा चलो आगे की बात करते हैं हम लोग वीडियो के अंदर सो वेलकम बैक गाइस मेरे एक और नए वीडियो के अंदर बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं एंड होप्स uh, हो कि आप सभी के टर्म वन एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे गए होंगे बहुत दिनों के बाद मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सो so, बहुत बार एरर्स आए एंड uh, करीब एक घंटे के बाद ये परफेक्टली बन चुका है सो so, अब टर्म वन तो ख़त्म हो गया अब बात कर लेते हैं हम लोग टर्म टू की वैसे तो टर्म वन के एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में या फिर एग्जामिनेशन के बीच में कुछ अलग ही दुनिया वाले चैनल्स टर्म टू के प्रिपरेशन करा रहे करे जस्ट बिकॉज कि वो टर्म वन के उस एग्जाम को पढ़ाते नहीं है वाय अगर आपके चैनल के ऊपर अगर आप हिंदी को नहीं पढ़ा रहे हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि हिंदी का एग्जाम ही नहीं हो रहा और आप टर्म टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो एंड कुछ लेजेंड बच्चे उस प्रिपरेशन वाले वीडियो को देख भी रहे गजब यार। सो so, अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी ठीक है बट उससे पहले कुछ देख लो सो so, ये सारे वो ब्यूटीफुल कमेंट्स हैं। जो so, लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर दिए हैं जस्ट लाइक like मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ऑडरेबल है इसका मतलब होता है कि यारी एंड ऐसे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं एंड मैं सबको नहीं ला पाया इसलिए सॉरी बिकॉज एडिटिंग बहुत करना पड़ता है एंड जैसा कि वीडियो से स्टार्टिंग से देख ही रहे हो कि मैंने बहुत ज़्यादा एडिटेड किया है एंड अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि वी लाइक दिस वीडियो हैदर देन द अदर्स बिकॉज अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं मेरे अभी तक के मतलब अब जैस जितने भी वीडियोज आएंगे ना सारे इसी टाइप के होंगे सो so, प्लीज बताना एंड जितना कमेंट कर सकते हो प्लीज़ उतना करना बिकॉज कमेंट इज इक्वस्ट टू इंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट इज इक्वस्ट टू ग्रोथ ऑफ चैनल तो अब हम लोग टर्म तो टू की बात कर लेते हैं तो मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर जो है वो वीकली डिवाइडेड है वैसे उसका मतलब ये है कि नहीं मैंने कोई मतलब ए आई या फिर रोबोटिक्स वाला एकदम फिक्स्ड शेड्यूल नहीं बनाया मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग संडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ेंगे और हम लोग दो चैप्टर्स को एक साथ लेंगे जो कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे जैसे कि एक चैप्टर हम लोग साइंस का लेंगे तो दूसरा चैप्टर हम लोग लेंगे एस का एक दिन साइंस का फिर एस का दोनों के ही नोट्स मेरे हैंड रिटर्न होंगे और तो और पी की फॉर्म में होंगे और कैसे होंगे मैं उसका एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा तो ये बात तो साफ हो गई कि भाई मंडे से लेके आई मीन संडे से लेके फ्राइडे तक हम लोग पढ़ाई करेंगे बट वॉट अबाउट सैटरडे बट देखो संडे को जो है ना सभी लोग टाइम पास करते हैं बट हम लोग सैटरडे को करेंगे जस्ट बिकॉज कि आपको दो दिन की छुट्टी मिल जाएगी एक सैटरडे की भी और एक संडे की भी सैटरडे की मैं दे रहा हूँ एंड संडे की आपको सब लोग दे रहे हैं सो so, उस सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे वो इस आने वाले सैटरडे पर पता चलेगा अभी मैं सस्पेंस को ओपन नहीं करूँगा एंड जहाँ कर बात कर लेते हैं हम लोग वीकली शेड्यूल की तो जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा मैं लग जाऊंगा प्रिपरेशन के अंदर नेक्स्ट वीडियो की जो कि होगा हमारे साइंस का चैप्टर जो कि टर्म वन के अंदर सबसे फर्स्ट है तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का ठीक है सो so, इस वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कि भाई लोग बहन लोग आ जाओ टर्म टू की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड अगर टर्म वन के एग्जामिनेशन अच्छे नहीं गए तो कोई बात नहीं यार टर्म वन का सिर्फ फिफ्टी परसेंट मार्क्स ही ऐड होगा टर्म टू के फिफ्टी अगर आप टर्म टू में अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तो आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा हो सकता है अच्छा क्या बहुत अच्छा हो सकता है इसलिए टर्म वन को आप भूल जाओ ओके एंड टर्म टू के ऊपर फोकस करो मैं ये नहीं चाहता कि टर्म वन के ही बोझ को उठा के आप टर्म टू का भी बोझ उठाओ टर्म वन को भूल जाओ कोई भी ऐसी चीज़ करो जिससे कि आप सब कुछ भूल जाओ मतलब सब कुछ मतलब टर्म वन जो भी कुछ भी होगा उसके अंदर सब कुछ जैसे कि आपको बी जी एम आई फ्री फायर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स खेलने अच्छे लगते हैं और गेम्स में इतना खो जाते हो कि आसपास क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता तो कुछ दिन के लिए या फिर एक या दो दिन के लिए गेम स्टार्ट कर दो या फिर कुकिंग या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने एग्जामिनेशन टाइम में छोड़ दी थी एंड आप बहुत उसको पसंद करते हो तो वो प्लीज़ कर लो ताकि टर्म वन का जितना भी मतलब स्ट्रेस था एंड जो कुछ भी टेंशन था वो सारा खत्म हो जाए बिकॉज टर्म वन का सिर्फ फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपके ओवरऑल टेंथ के रिजल्ट में ऐड होगा एंड हाँ कोई बहस मत करो कि भाई कोविड आ गया तो तो टर्म वन के बेस्ट भी रिजल्ट बनेगा ना हाँ मैं जानता हूँ बट क्यों कोविड आ जाए मास्क पहनो एंड बी सेफ ओके okay? सो so, आज का दिन है आज का और कल का आपको जो इच्छा हो वो करो एंड टर्म वन को बिल्कुल ही भूल जाओ टर्म वन में जो कुछ पढ़ा उसको भी भूल जाओ अब बात करेंगे हम लोग टर्म टू की सो so, कल के वीडियो के लिए रेडी हो जाओ लाइक कर दो शेयर कर दो और जो लोग नए हैं और यहाँ तक देखा है सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़